Hello friends, this is my third video on sentence formation. In this video, we shall learn about continuous type sentences. Continuous type यानि कि काम चल रहा है, यहाँ क्रिया के साथ में हम ing लगाते हैं, जैसे eating, drinking, playing, singing, going, coming, etc. तो आइए sentences कैसे बनते हैं ये सीखते हैं हम इस वीडियो में. जब हम continuous present type sentences बनाते हैं तो subject plus am, is, are, ing verb के साथ और object. am हम I के साथ लगाते हैं, बाकी सब एक वचन को इज लगता है और अनेक वचन को आर लगता है. पास्ट टेंस में सब्जेक्ट वॉज वर्ब, वर्ब के साथ में आएंगी और ऑब्जेक्ट. एक वचन को वॉज लगता है, अनेक वचन को वर लगता है. फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट विल शैल बी, वर्ब के साथ आएंगी और ऑब्जेक्ट. आई और बी को हम शैल लगाते हैं और बाकी सबको विल लगाते हैं. आई एम ईटिंग चॉकलेट, आई वॉज ईटिंग चॉकलेट, आई शैल बी ईटिंग चॉकलेट. शी इज सिंगिंग सॉन्ग, शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग, शी विल बी सिंगिंग सॉन्ग. ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, ही वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, ही विल बी ड्रिंकिंग मिल्क. They are reading book, they were reading book, they will be reading book. अब हम इन sentences का meaning जानते हैं. I am eating chocolate यानि कि मैं chocolate खा रहा हूँ. I was eating chocolate, मैं chocolate खा रहा था. I shall be eating chocolate, मैं चॉकलेट खा रहा हूंगा. शी इज सिंगिंग सॉन्ग, वह गाना गा रही है. शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग, वह गाना गा रही थी. शी विल बी सिंगिंग सॉन्ग, वह गाना गा रही होगी. ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पी रहा है. He was drinking milk, वो दूध पी रहा था. He will be drinking milk, वो दूध पी रहा होगा. They are reading book, वे किताब पढ़ रहे हैं. They were reading book, वे किताब पढ़ रहे थे. They will be reading book, वे किताब पढ़ रहे होंगे. अब इन्हीं सेंटेंसेस का हम क्वेश्चन टाइप वन बनाते हैं. क्वेश्चन टाइप वन का मतलब होता है जिसका जवाब हम हाँ और ना में दे सकते हैं. इसमें सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी अपने अपनी पोजीशन बदल लेते हैं. पहले सब्जेक्ट एक नंबर पर था, ऑक्सिलरी दो नंबर पे थी. अब ऑक्सिलरी एक नंबर पे चले जाते हैं और सब्जेक्ट दो नंबर पे आ जाते हैं. तो एम इज आर सब्जेक्ट वॉज वर्ब सब्जेक्ट शैल विल सब्जेक्ट ऐसा हो जाता है. तो इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं? एम आई ईटिंग चॉकलेट, क्या मैं चॉकलेट खा रहा हूं. वॉज आई ईटिंग चॉकलेट, क्या मैं चॉकलेट खा रहा था. विल आई बी ईटिंग चॉकलेट, क्या मैं चॉकलेट खा रहा हूंगा. दोस्तों, जब भी आई का सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में आता है तो शैल की जगह पे विल लगा दो. इसका डिटेल जानने के लिए आप मेरा शैल और विल का वीडियो भी देख सकते हैं. इज ही ड्रिंकिंग मिल्क, क्या वो दूध पी रहा है. वॉज ही ड्रिंकिंग मिल्क, क्या वो दूध पी रहा था. विल ही बी ड्रिंकिंग मिल्क, क्या वो दूध पी रहा होगा.
अब आते हैं हमारे WH टाइप क्वेश्चंस, जिसको हम क्वेश्चन टाइप टू भी बोलते हैं। WH टाइप क्वेश्चंस में why, क्यों, where, कहाँ, when, कब और how, कैसे का उपयोग किया जाता है। Where am I eating chocolate? ये क्वेश्चन टाइप टू जो है क्वेश्चन टाइप वन के आगे लगाया जाता है। पहला सेंटेंस था एम आई ईटिंग चॉकलेट, क्या मैं चॉकलेट खा रहा हूं। अब वेयर एम आई ईटिंग चॉकलेट, यानी कि मैं चॉकलेट कहां खा रहा हूं। वेयर वॉज आई ईटिंग चॉकलेट, मैं चॉकलेट कहां खा रहा था। वेयर विल आई बी ईटिंग चॉकलेट, मैं चॉकलेट कहां खा रहा होऊंगा। व्हाई इज ही ड्रिंकिंग मिल्क, वो दूध क्यों पी रहा है। Why was he drinking milk? वो दूध क्यों पी रहा था। Why will he be drinking milk? वो दूध क्यों पी रहा होगा। Where are they reading book? वे किताब कहाँ पढ़ रहे हैं। Where were they reading book? वे किताब कहाँ पढ़ रहे थे। Where will they be reading book? वे किताब कहाँ पढ़ रहे होंगे। When is she singing song? वो गाना कब गा रही है। When was she singing song? वो गाना कब गा रही थी। When will she be singing song? वो गाना कब गा रही होगी। When I have to make these sentences into negative form, जब मुझे यही sentences negative form में बनाना होगा तो मैं am not, is not, are not का उपयोग करूंगा। I के साथ में am not, एक वचन के साथ is not और अनेक वचन के साथ are not या aren't present tense में लगाऊंगा। Past tense में एक वचन के साथ was not या wasn't और अनेक वचन के साथ were not या weren't। फ्यूचर टेंस में will not का won't हो जाएगा और shall not, shan't इसका हम उपयोग करेंगे। सब्जेक्ट am, is, are आगे से not लग जाएगा, क्रिया के साथ ing और ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस में सब्जेक्ट वॉज वर, आगे से नॉट लगेगा, क्रिया के साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट विल शैल फिर नॉट और बी लगेगा आगे से, क्रिया के साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट ईटिंग चॉकलेट, मैं चॉकलेट नहीं खा रहा हूँ। आई वॉज नॉट ईटिंग चॉकलेट, मैं चॉकलेट नहीं खा रहा था। आई शैल नॉट बी ईटिंग चॉकलेट, मैं चॉकलेट नहीं खा रहा होऊंगा। He is not drinking milk, वो दूध नहीं पी रहा है। He was not drinking milk, वो दूध नहीं पी रहा था। He will not be drinking milk, वो दूध नहीं पी रहा होगा। She isn't singing song, वो गाना नहीं गा रही है। She wasn't singing song, वो गाना नहीं गा रही थी। She won't be singing song, वो गाना नहीं गा रही होगी। हम is not का isn't लिख सकते हैं, was not के बदले हम wasn't लिख सकते हैं और will not के बदले हम won't लिख सकते हैं। They aren't reading book, वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं। They weren't reading book, वे किताब नहीं पढ़ रहे थे। They won't be reading book, वे किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। अब क्वेश्चन टाइप वन, जिसमें ऑक्सिलरी आगे आ जाती है और सब्जेक्ट पीछे चले जाते हैं। Am I not eating chocolate? क्या मैं चॉकलेट नहीं खा रहा हूँ। Was I not eating chocolate? क्या मैं चॉकलेट नहीं खा रहा था। Will I not be eating chocolate? क्या मैं चॉकलेट नहीं खा रहा हूंगा। इज ही नॉट ड्रिंकिंग मिल्क,
क्या वह दूध नहीं पी रहा है? Was he not drinking milk? क्या वह दूध नहीं पी रहा था? Will he not be drinking milk? क्या वह दूध नहीं पी रहा होगा? Isn't she singing song? क्या वह गाना नहीं गा रही है? Wasn't she singing song? क्या वह गाना नहीं गा रही थी? Won't she be singing song? क्या वह गाना नहीं गा रही होगी? Aren't they reading book? क्या वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं? Weren't they reading book? क्या वे किताब नहीं पढ़ रहे थे? Won't they be reading book? क्या वे किताब नहीं पढ़ रहे होंगे? अब हमारे चार WH टाइप क्वेश्चंस। Why, क्यों, where, कहाँ, when, कब, how, कैसे। अब क्वेश्चन टाइप टू, Why am I not eating chocolate? मैं चॉकलेट क्यों नहीं खा रहा हूँ? Why was I not eating chocolate? मैं चॉकलेट क्यों नहीं खा रहा था? Why will I not be eating chocolate? मैं चॉकलेट क्यों नहीं खा रहा होऊंगा? When is he not drinking milk? वो दूध कब नहीं पी रहा है? When was he not drinking milk? वो दूध कब नहीं पी रहा था? When will he not be drinking milk? वो दूध कब नहीं पी रहा होगा? How isn't she singing song? वो गाना कैसे नहीं गा रही है? How wasn't she singing song? वो गाना कैसे नहीं गा रही थी? How won't she be singing song? वो गाना कैसे नहीं गा रही होगी? Where aren't they reading book? वे किताब कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं? Where weren't they reading book? वे किताब कहाँ नहीं पढ़ रहे थे? Where won't they be reading book? वे किताब कहाँ नहीं पढ़ रहे होंगे? अब हम सीखते हैं विच और हूज टाइप क्वेश्चन। विच यानी कि कौन सा, हूज यानी कि किसका। इन क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट तुरंत विच और हूज के बाद आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे चले जाता है और अंत में क्रिया आती है। तो प्रेजेंट टाइप सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं हम? Which food are you cooking? आप कौन सा खाना पका रहे हो? Whose food are you cooking? आप किसका खाना पका रहे हो? यही हम नेगेटिव में भी कह सकते हैं। Which food are you not cooking? आप कौन सा खाना नहीं पका रहे हो? Whose food are you not cooking? आप किसका खाना नहीं पका रहे हो? Past tense में Which book were they buying? वे कौन सी किताब खरीद रहे थे? Whose book were they buying? वे किसकी किताब खरीद रहे थे? Which book weren't they buying? वे कौन सी किताब नहीं खरीद रहे थे? Whose book weren't they buying? वे किसकी किताब नहीं खरीद रहे थे? फ्यूचर में Which car Will she be driving? वो कौन सी गाड़ी चला रही होगी? Whose car will she be driving? वो किसकी गाड़ी चला रही होगी? Which car won't she be driving? वो किसकी गाड़ी नहीं चला रही होगी? And whose car won't she be driving? वो किसकी गाड़ी नहीं चला रही होगी? तो ये थे हमारे which और whose type sentences। तो कंटिन्यूअस टाइप सेंटेंसेस में हमने देखा क्रिया चल रही है, खाना खा रहा है, खाना खा रहा था और खाना खा रहा होगा। क्रिया खत्म नहीं हुई होती है, उसे हम कंटिन्यूअस टाइप सेंटेंसेस बोलते हैं। जब क्रिया खत्म हो चुकी होती है उसे हम परफेक्ट टाइप सेंटेंसेस बोलते हैं। वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे, तो इंतजार कीजिए मेरे परफेक्ट टेंस के वीडियो का। फ्रेंड्स,
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और मेरा कोई इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए इसके लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, और वादा कीजिए कि आप मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।